जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में हम लोग आयरन डोम के बारे में समझने वाले हैं, जो कि इजराइल का एक घातक हथियार है। ठीक है, देखिए अगर आप दूर से देखोगे ना तो जो वर्ल्ड मैप होता है उसमें इजराइल आपको बहुत ही छोटा सा दिखेगा, दूर से आपको दिखाई नहीं देगा, वो इतना छोटा देश है। उसका जितना आबादी है उससे तो दुगना लोग फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं, फिर भी इतनी कम आबादी और कम जनसंख्या के होते हुए भी वो सबसे पावरफुल है और कोई देश उससे लड़ना नहीं चाहता, कोई देश उससे उलझना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास बहुत सी एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन बस हम लोग आज के वीडियो में आयरन डोम के बारे में समझेंगे, एकदम डिटेल में इस चीज को समझेंगे और आगे जो कुछ भी होगा वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आयरन डोम को इजराइल की कंपनी रफाल बनाती है और इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो आयरन मतलब होता है लोअर, डोम मतलब होता है गुबंद, गुबंद मतलब राउंडेड रूफ, मतलब कि ये अपने गोल में ही सुरक्षा देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया आयरन डोम को, यहाँ पे लगा दिया तो ये अपने अंदर के इलाके को इस तरीके से सुरक्षा देता है, एक गुबंद बना के ही सुरक्षा देता है अपने अंदर के इलाके को। ठीक है, तो यही होता है गुबंद, तो इसी का अर्थ हो गया। यहाँ पे आयरन डोम के बारे में आप समझ गए। देखिए सिस्टम में तीन चीजें होती है, जो पहला होता है वो होता है रडार, इसका दूसरा होता है कंट्रोल सिस्टम, तीसरा होता है लॉन्चर। देखिए आयरन डोम सिस्टम को एक जगह से दूसरे जगह पे हम आसानी से गाड़ियों में करके ले जा सकते हैं। ठीक है, ट्रकों में करके इसे भी हम लोग ले जा सकते हैं, जैसे कि हमने S-400 मिसाइल सिस्टम में समझा था जो हमारे भारत के पास है, उसको भी हम लोग ट्रक में ले जा सकते थे, इसको भी ट्रकों में हम लोग आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है रडार। रडार क्या करता है, जब भी हमास या गाजा पट्टी से कोई हमला होता है इसराइल के ऊपर, तो रडार क्या करता है उन मिसाइलों को डिटेक्ट कर लेता है, और जब वो मिसाइलें पकड़ी जाती है तो ये क्या करता है कंट्रोल सिस्टम के पास उस चीज को भेज देता है, ये मिसाइलें हैं। अब कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम ये पता लगाता है कि वो मिसाइल कहां आखिर क्या करता है, ये मिसाइलों को ऑर्डर दे देता है कि अब जाकर उसको नष्ट कर दो। और अगर किसी ऐसे स्थान पे गिरने वाला है वो मिसाइल जहां पे कि कोई नहीं रहता, एकदम खाली जगह है जिससे कि लोगों को नुकसान नहीं होने वाला है, तो कंट्रोल सिस्टम कुछ भी नहीं करता, बोलता है कि गिरने दो मिसाइल को, वहां पे कोई है ही नहीं, और इसमें एक हॉर्न टाइप का बसता है। वो क्या करता है, जो मिसाइल होती है वो खाली जगह पे गिरने वाली होती है, तो अगर उस जगह पे कोई है तो हट जाए, यानी कि जो इजराइल का जो खाली इलाका है अगर वहां पे कोई होगा तो वो हट जाए। एक बार हम चित्र के जरिए भी इस चीज को समझ लेते हैं ताकि अच्छे से हमको समझ में आ जाए। देखिए ये होता है रडार, ये होता है रडार, ये होता है कंट्रोल सिस्टम, और ये है लॉन्चर। ठीक है, ये हो गया रडार, ये कंट्रोल सिस्टम और ये लॉन्चर। देखिए सबसे पहले क्या करता है, अगर गाजा पट्टी से हमास से कहीं से भी अगर इजराइल के ऊपर मिसाइलें आ रही तो ये क्या करेगा, रडार में सबसे पहले वो डिटेक्ट होता है, रडार जब उस चीज को पकड़ लेता है तो ये रडार क्या करता है, मान लीजिए यहां से आ रही है कोई मिसाइल है, जहां से कुछ भी है यहां से आ रही है, तो ये रडार क्या करेगा, ये पकड़ लेगा इस चीज को, और ये क्या करेगा कंट्रोल सिस्टम के पास इस चीज को भेज देगा। अब कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम पता करता है कि उस मिसाइल का स्पीड कितना है, सब आखिर वो कहां जाके गिरने वाली है, अगर कोई ऐसे इलाके को गिरने वाली है जहां पे कोई नहीं रहता है, कोई खतरा नहीं उस मिसाइल को गिरने से, तो वो गिरने देता है मिसाइल को, वो कुछ नहीं करता है। और अगर ऐसा सिचुएशन है कि वो मिसाइल ऐसी जगह पे गिरने वाली है जहां से नुकसान होने वाला है इजराइल को कुछ, जहां पे लोग रहते हैं, कोई बस्ती है, गांव है, शहर है, तो उस जगह पे क्या करता है, ये जो लॉन्चर है वो इसको बोलता है कि अब मिसाइल को फायर करो और उसको खत्म कर दो। तो ये क्या करता है, यहां से ये मिसाइल को लॉन्च करता है, लॉन्चर जो होता है वो मिसाइल को फायर करता है और इसको नष्ट कर देता है जो भी मिसाइलें होती है। तो उसी तरीके से ये बस सिस्टम काम करता है। अब समझते हैं यहाँ पे बैटरी क्या होता है, मिसाइलों के ग्रुप को बैटरी कहा जाता है। मिसाइलों के ग्रुप मतलब आप देखे होंगे कि मिसाइलें लगी होती है 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बैटरी बना होता है। अब मतलब की समझिए, ये कुछ इस तरीके से आप देखेंगे ना, तो इसमें मिसाइलें लगी होती हैं लॉन्चर में, इस तरीके से 2, 3, 4, 5 इस तरीके से करके मिसाइलें लगी होती हैं। एक बैटरी में कुल 20 मिसाइलें होती हैं। एक बैटरी में कुल कितने मिसाइलें होती हैं, एक बैटरी में कुल 20 मिसाइलें होती हैं, एक बैटरी में कुल 20 मिसाइलें होती हैं, और इन 20 मिसाइलों को तमीर मिसाइल कहा जाता है। मतलब ये 20 मिसाइल को तमीर नहीं कहा जाता है, हर मिसाइल का नाम तमीर मिसाइल है। इनमें जो मिसाइलें होती हैं उन मिसाइल का नाम क्या है, तमीर मिसाइल है, तमीर मिसाइल, जो कि दुश्मनों को जाके मारती है उस मिसाइल का नाम क्या है, तमीर मिसाइल। यही मिसाइल होती है जो कि जाके दुश्मनों के मिसाइलों को मारती है, हिट करती है, उसका नाम है तमीर मिसाइल। और बैटरी समझ में आ गया, मिसाइलों के समूह को बैटरी कहा जाता है, और यहाँ पे एक बैटरी बराबर 20 मिसाइल। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि बैटरी किस तरीके का होता है और बैटरी क्या होता है, लेकिन इन तमीर मिसाइल के पास अपना खुद कुछ मतलब सेंस ही नहीं होता, ये खुद कुछ कर ही नहीं सकती हैं। ये क्या करती है, ये जो नीचे जो जमीन पे जो रडार लगा होता है, मैंने आपको बताया जो रडार पकड़ता है, जो रडार लगा होता है वो रडार इन मिसाइलों को बताता है कि तुमको कहाँ जाना है, किस दिशा में तुमको जाना है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का कोई रडार सिस्टम ही नहीं होता इन मिसाइलों के पास। देखिए यह है तमीर मिसाइल। इसमें एक चीज समझिए, इसमें इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव लगा होता है इसके वारहेड में, ये हो गया इसका वारहेड, इसी में लगा होता है इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव जो कि किसी को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये एक वेव है। तो ये क्या है कि अगर इसमें कोई भी मिसाइल या फिर कुछ भी अगर इस वेव से आकर टकराती है तो यहां पे जस्ट इसके पीछे आप देखेंगे ये सेंसर होता है, सेंसर इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में बारूद भरा होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बारूद भरा होता है इस सेंसर में। जैसे ही इससे कुछ आके टकराता है ये तुरंत ब्लास्ट कर जाता है, यानी कि तुरंत फट जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई मिसाइल यहां से गुजर रही है, यहां से गुजर रही है, इसको क्या दिखाई दे रहा है, आगे से इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस इसको समझिए यहां पे ये वेव लगा हुआ है। ठीक है, अगर इस वेव से कुछ आके टकराया तो ये तुरंत फट जाता है और अपने साथ साथ उसको भी
खत्म कर देता है। ठीक है, ये क्या होता है कि अपने तो खत्म होता है और साथ साथ जो मिसाइलें होती हैं उसको भी खत्म करता है, यानी कि सामने से नहीं चीरता है। ठीक है, मतलब देखिए ये इस तरीके से नहीं हमला करते, जैसे कि यहां से ये मान लीजिए कि कोई मिसाइल आ रही है गजापति से, हमास से, आप कहीं से मान लीजिए कि कोई मिसाइल आ रही है, तो ये क्या करेगा, ये सीधे ऐसे जाकर इस तरीके से नहीं मारता है, ये क्या इस तरीके से आएगा, इसके वेब से ये टकराएगा और ये तुरंत ब्लास्ट कर जाता है, ये दोनों खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये चीज भी काम करता है। इसमें क्या होता है, ये वेब लगे होते हैं, कोई भी मिसाइल कुछ भी अगर इस वेब से टकराया तो ये इसके सेंसर में छोटे छोटे टुकड़े में बारूद लगा होता है, तुरंत ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, अगर मिसाइल 90 डिग्री पर हो तो तमीर मिसाइल से बचने के भी कुछ चांसेस हो सकते हैं उसको, लेकिन अगर वो पैरेलल में हो यानी कि समांतर में हो तो बिल्कुल भी नहीं तमीर मिसाइल उस चीज को छोड़ता है। आप इस चित्र के माध्यम से समझिए इस चीज को। देखिए ये है तमीर मिसाइल, ये तमीर मिसाइल है, ये भी तमीर मिसाइल है। ठीक है, ये है, ये है, ये दोनों तमीर मिसाइल है और ये क्या हो, ये दुश्मन की मिसाइल है। देखिए यहाँ पे इसका जो है ये वेब है। ठीक है, इस वेब से अगर टकराएगी मिसाइल, इसको कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है, ये मिसाइल को मान लीजिए कि इसका हर चीज ये वेब ही है। अगर इस वेब से कुछ टकराएगा तभी इसको पता चलेगा कि कोई हमारे पास से होके गुजरा। ठीक है, अगर इस मिसाइल के पास यानी कि इस तरीके से पैरेलल में अगर कोई मिसाइल आती है और इसके वेब से टकरा जाती है तो ये तुरंत ब्लास्ट कर जाता है और अपने साथ साथ इसको भी खत्म कर देता है। लेकिन अगर समान अगर 90 डिग्री पर हो, जैसे कि यहाँ पे आपको एक सीधे लाइन बन रही है 90 डिग्री पे, अगर ये 90 डिग्री पर कोई मिसाइल है तो ये क्या करता है, इसके वेव से तो अब ये मिसाइल टकराएगी नहीं, ये मिसाइल के आगे से निकल जाएगी और इसको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इसको कुछ दिखाई नहीं देता। अगर इसके वेव से कोई मिसाइल नहीं टकराए तो इसको कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारे आसपास से कुछ गुजरा है, तो क्या करेगी, ये मिसाइल चली जाएगी, आसानी से मिसाइल बच जाएगी। तमीर मिसाइल बहुत ही खतरनाक मिसाइल होती है, एक साथ दो तीन कितनी भी मिसाइलें एक साथ ये संभाल लेगा अगर इसके वेव में आ गई वो मिसाइल है तो। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दो मिसाइलें हैं, ठीक है, आ रही है तेजी से, ये दो मिसाइलें, ठीक, तो यहां से क्या होगी, ये तमीर मिसाइल है, इतनी छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है, आप चित्र पे ध्यान दीजिए, आप इस चीज को समझिए। अगर मान लीजिए इसके वेब से ये मिसाइल आकर टकरा गई, ठीक है, इसके वेब से आकर टकरा गई, इसके पास से आकर गुजरी, तुरंत ब्लास्ट कर देगा, एक साथ ये दोनों मिसाइलों को खत्म कर देगा। तीन मिसाइलें हैं, इसके वेब से टकराई, तीनों मिसाइलों को खत्म कर देगा। अगर मान लीजिए ये मिसाइल इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस तरीके से आ रहा है ये, इसके वेब में अगर ये मिसाइलें आ गई, ये पीछे चला जाएगा अगर इसके वेब ये मिसाइल आएगी, क्योंकि नीचे जो रडार है, मैंने आपको बताया ये गाइडेड मिसाइल नहीं होती है, इसके नीचे जो रडार लगा होता है, जमीन पे जो रडार होता है वही बताता है कि किस दिशा में तुमको कहां जाना है, इसका अपना खुद का कुछ सेंस नहीं होता है। अगर उसको ये बोला यहां से जाने के लिए, अगर ये यहां से आई मिसाइल और इसके वेब में ये दोनों आ गए तो क्या करेगी, ये कुछ नहीं देखती, बस ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों खत्म मिसाइल, अगर दो तीन चार कितनी भी मिसाइल अगर इसके वेब में आ गई, ये खत्म कर देता है, अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। इजराइल का जो तमीर मिसाइल है वो दिन रात किसी भी मौसम में, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, कितनी भी ऊंचाई पर जाकर वो हमला करती है, दुश्मनों के मिसाइल को खत्म कर देती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आयरन डोम लगा हुआ है, ठीक है, आयरन डोम यहाँ पे लगा हुआ है और इसके पास तो 20 मिसाइल है, मैंने आपको बताया कि एक बैटरी में 20 मिसाइल होती है, एक बैटरी है इसके पास, यानी कि 20 मिसाइल है इसके पास। अगर मान लीजिए 100 मिसाइलों का इसके पास क्या हुआ है, हमला हुआ, 100 मिलियन मत समझिएगा, 100 मिसाइल है, एम लिख दिया मैंने जल्दी में, ठीक है, 100 मिसाइलों का अगर इसके पास हमला हुआ, इसके पास तो 20 मिसाइल, तो ये क्या करेगा, अपने आसपास सिग्नल भेज देता है और जो आसपास के होंगे वो इसको मार के 100 गिरा देते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी चीज की एक क्षमता होती है, अगर मान लीजिए इसके पास जहां क्षमता है आयरन डोम के पास की 400 मिसाइलों को मार के गिराएगा, अगर 600 मिसाइल इस पर हमला कर दी तो ये क्या करेगा, जरूर ही इजराइल को नुकसान होगा, लेकिन अधिक मात्रा में नुकसान नहीं होता है इजराइल को, क्योंकि इसके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और फिलिस्तीन और हमास को ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन देखिए इजराइल के पास ये इसलिए अधिक मात्रा में नहीं उपलब्ध है, ये बहुत ज्यादा महंगी मिसाइल होती है, एक मिसाइल लगभग 30 लाख रुपए की आती है, तो सोच लीजिए कि बहुत सारी मिसाइलें मंगाने में अगर हमको 1000 मिसाइल मंगाना है, 2000 मिसाइल मंगाना है, तो इसमें कितना खर्च लग जाएगा। एंडोम का रेंज होता है वो 10 किलोमीटर होता है, इसका जो रेंज होता है वो 10 किलोमीटर होता है, ये छोटे रेंज के लिए आयरन डोम को बनाया गया रहता है, लेकिन बहुत ही पावरफुल ये होता है आयरन डोम, और बड़े डोम के लिए अलग अलग स्तर पर बनाए गए हैं आयरन डोम। ये क्या है, ये एक डिफेंस सिस्टम है, ये 10 किलोमीटर के लिए है, इससे भी ज्यादा के लिए सिस्टम है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो छोटी दूरी के लिए वो आयरन डोम है, हम लोग को पता है ये 10 किलोमीटर, अगर 20 किलोमीटर तक मारना है तो स्पाइडर SR का प्रयोग करते हैं, SR मतलब शॉर्ट रेंज, SR मतलब S मतलब शॉर्ट, R मतलब रेंज, स्पाइडर SR, ठीक है, अगर हमको 20 किलोमीटर तक मारना है, अगर 50 किलोमीटर तक मारना है स्पाइडर MR मतलब होता है यहाँ पे मीडियम रेंज, यहाँ पे देखिए मीडियम रेंज, और अगर उससे भी हम लोग को ऊपर मारना है तो डेविड स्लिंग, ठीक है, डेविड स्लिंग ये लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को मारता है। आयरन डोम क्या करता है, मतलब यहाँ पे आयरन डोम लगा हुआ है तो ये इतना सुरक्षा देगा, अगर यहाँ पे हम लोग लगा दिए स्पाइडर MR
ये इतना सुरक्षा देगा। अगर हम लोग लगाएं डेविड स्लिंग यानी कि लॉन्ग रेंज वाला, तो ये इतना सुरक्षा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिसाइलों का सिस्टम है, ठीक। और देखिए इजराइल के पास, अभी आपको तो युद्ध के बारे में पता ही होगा कि इजराइल कितना खतरनाक हो रहा है। इतना वो छोटा देश ही है, वो आपको मैप में अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देगा, उससे ज्यादा तो हमारे बॉलीवुड में सब ये फॉलोअर्स लेके रखे हुए हैं। जितना इजराइल का आबादी नहीं, उससे ज्यादा तो फॉलोअर्स लेके रखे हुए हैं बॉलीवुड में, ठीक है। तो इससे क्या है ना, इजराइल के पास भले ही संख्या कम है लेकिन पावर बहुत ही ज्यादा है इजराइल के अंदर। इजराइल इतना खतरनाक खतरनाक टेक्नोलॉजी रखा है। यहूदियों के पास ना बहुत ही खतरनाक लोग, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं यहूदी। लैरी पेज के बारे में आप सुने होंगे, लैरी पेज, आप ये नाम सुने, अगर नहीं सुने तो कोई बात नहीं। गूगल का तो नाम सभी ने सुना होगा, गूगल और हर कोई यूज करता है। गूगल के बिना किसी का कोई काम ही नहीं होता, सबको कुछ भी देखना हो तो गूगल उसके पहले, ठीक है। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब चीजों के बारे में आप लोग में से कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा गूगल, फेसबुक, यूट्यूब के बारे में। गूगल किसका है, लैरी पेज का है। अगर लैरी पेज एक मिनट के लिए भी अपना गूगल बंद कर देना, एक मिनट के लिए गूगल, तो बहुत सी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, डूब जाएंगी बहुत सी कंपनी। इतना खतरनाक है गूगल, सबको पकड़ के रखा है लैरी पेज। लैरी पेज क्या, एक यहूदी। गूगल ऐसी चीज है, अब गूगल इस तरीके का चीज हो गया है कि गूगल के बिना कुछ काम नहीं होता। अगर हमारे पास ऐसा कुछ चीज होता जो कि गूगल ना होते हुए भी हम लोग उस काम को कर लेते, कोई अगर दूसरा टाइप का गूगल रहता, तो ऐसा कुछ नहीं है। गूगल एक ही है यहाँ पे और दूसरा कुछ भी नहीं है, जो भी ये सब फालतू है, ये गूगल ही है जो कि हर जगह यूज होता है। ईमेल हो गया, एंड्रॉइड हो गया, एंड्रॉइड फोन सभी यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ही कम ही लोग, मतलब एप्पल भी यूज कर ले रहे हैं लेकिन एंड्रॉइड अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। एंड्रॉइड किसका है, एंड्रॉइड भी लैरी पेज का है जो कि गूगल बनाया है, और गूगल भी इसी का ही है। ईमेल हो गया, गूगल प्ले स्टोर, गूगल क्रोम, गूगल यूट्यूब जिसपे आप लोग वीडियो देखते हैं, हर चीज गूगल का ही। तो गूगल जो लैरी पेज बहुत ही ज्यादा पावर में बैठे। वहीं का कोई प्रेसिडेंट हो गया, कितना भी खतरनाक व्यक्ति हो गया, सबसे ज्यादा अभी कोई खतरनाक है ना तो लैरी पेज है। क्योंकि अगर ये अपना सिस्टम एक दिन के लिए बंद कर दे रहा है ना, तो करोड़ों लाखों लोगों की तो कंपनियां डूब जाएंगी, बहुत सी करोड़ों की कंपनियां डूब जाएंगी, कितने लोगों की कंपनी बर्बाद हो जाएगी, नुकसान में चली जाएगी, पूरा मतलब खत्म करके रख देगा एक मिनट के अंदर में, अगर बस एक दिन के लिए अपना बंद कर दिया। तो एक दिन तो बहुत ज्यादा है। मैं भी अपने देश के लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास पावर है, तो फिर हम किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी से भी कुछ कह सकते हैं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर हम किसी और के ही ऊपर डिपेंड है, तो फिर उसका साथ दिए तो ठीक है, अगर साथ नहीं देंगे तो हमारे खिलाफ हो जाएगा, तो हमारा काम रुक जाएगा। इसलिए हमको अपने ऊपर, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए। हमको भी कुछ ऐसा चीज बनाना चाहिए जो कि हम लोग खुद बाहर लेके जाए और हम लोग के बिना उनका काम रुक जाए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को भी चीज बनाना चाहिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।